गाइस और कैसे हो गाइस, फिर से स्वागत है। एंड गाइस वापस से हम कर रहे हैं गाइस क्लान वार ट्रिलॉजी वर्सेस जॉर्ड क्लान वार। और गाइस यहां पे पहला राउंड आ चुका है लवलैंड, जो कि बहुत ज्यादा आजकल आता है और कोई मैप नहीं दिखता, चाहे टूर्नामेंट हो या वार हो, बस आजकल एक ही मैप दिखने को, मतलब एक ही मैप दिखता है जो कि है लवलैंड। क्योंकि जब भी कोई न्यू मैप आता है तो ज़्यादा तो आता ही है, लेकिन ये मैप का तो मतलब इस मैप ने ना सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि ये मैप कुछ ज़्यादा ही आता है। मतलब ब्लॉक भी आया था, 3 से 4 बार आ जाता था, बहुत था, लेकिन ये तो भाई कुछ हद ही पार कर देता है यार। मतलब इतना आ जाता है ना, आज तो कुछ ज़्यादा ही आ गया, 4 से भी ज़्यादा आ गया आज तो। मतलब सारे मैप का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है लवलैंड, क्योंकि आज गाइस बहुत सारे मैच में आने वाला है लवलैंड। तो यहाँ पे गाइस आ चुका है पहला लवलैंड, और यहाँ पे रेडॉक्स और अपना 2v1 था यहाँ पे। रेडॉक्स पता नहीं सीधा चलते निकल लिया, यहाँ पे भाविस बॉडी हो जाता है और यहाँ पे पहला करवा ही जाता है भाई। मतलब 0-1 से ही शुरुआत होता है यार, मतलब क्या, मतलब ट्रिलॉजी का मोस्टली 0-1 से ही शुरुआत होता है, जैसे कि पिछला बार में भी हुआ था और यहाँ भी सेम वही हुआ 0-1। अब गाइज नेक्स्ट बोला ना फिर से लवलैंड आएगा, मतलब लवलैंड गाइज इतना आया ना आज कि भाई मतलब इसको घोषित कर सकते हो कि आज है लवलैंड वार और कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल गाइज यहाँ पे नेक्स्ट मैच भी आ चुका है लवलैंड, और यहाँ पे कौन कौन क्वालिफाई हुआ है, कोई तो हुआ है और मैं वापस से नहीं हुआ, मतलब इतना धक्का मुक्की, ऊपर से रैंडम गाइज, मतलब रैंडम तो अलग दिमाग खराब कर रहे थे भाई, रैंडम आके यार पीएचके जा रहे भाई, मतलब अलग दिमाग खराब करते हैं इसमें। हम लोग खेल रहे थे गाइज एशिया इंडिया दोनों में, ताकि यार पिंग का इशू बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग इंडिया और एशिया दोनों में खेल रहे थे कि पिंग का इशू ना हो, और ऐसे हो भी रहा था। तो देखते गाइज कौन जीतेगा ये मैच। पहला तो जॉर्ड ले गया, मतलब 0-1 हो चुका है स्कोर। नेक्स्ट वापस से आ चुका है लवलैंड, और यहाँ पे कौन कौन बच गए, शायद 2v2 था, कौन था यहाँ पे, ये है फ्लैश, और यहाँ पे भाई फिर से गया, मतलब फिर से क्रॉन गया, 0-2 हो चुका है भाई। क्या चल रहा है, लवलैंड आ रहा है भाई, क्या हो रहा है, उनके ही स्कोर जाते जा रहे हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट आ चुका है वापस से, फिर से वही आ गया, और वापस से गाइज मैं यहाँ पे, चलो फाइनली गाइज मैं आ चुका हूँ मैगी बन के यहाँ पे थर्ड राउंड पे, और देखते हैं गाइस। अब मैं तो बोला चलो यार आज तो मतलब मैं आ चुका हूँ तो निकाल लूंगा, लेकिन भाई पिंग के नशे देख लो भाई, मतलब मेरे को यार सीधा भाई मेरे को घुसा दिया अंदर भाई, मतलब क्या करूँ मैं, क्या करूँ भाई, जॉब छोड़ दूँ, मिल ही नहीं रहा है, मतलब क्या है? एक राउंड में मैं आया थर्ड राउंड में, उसमें भी यार भाई पिंग नशे करके मेरे को नीचे गिरा दिया। ठीक है यार यही कर लो। अब गाइस कौन कौन बच गया, ये R3 प्राइम है, कौन है, हाँ ये रेडॉक्स है, और अपने कौन कौन बच गए यहाँ पे, प्राइम और कौन कौन है, आदि, भविष्य, हाँ भविष्य भाई, क्या मतलब नाम तो खतरनाक है यहाँ पे, भविष्य है और कौन है, भाविस और कौन है, रेडॉक्स और आदि शायद है, और कौन कौन है पता नहीं, कौन कौन है यहाँ पे मेरे को समझ भी नहीं आ रहा इतने स्पीड में, कौन जीतेगा तो पता चलेगा कौन जीता यहाँ पे गाइस। अब चारों शायद अपने ही बचे हुए थे, हाँ चारों सिर्फ अपने ही बचे हुए थे, तो यहाँ पे तो कंफर्म था कि अपना आएगा। और यहाँ पे भाई आदि ले गया भाई, आदि नाम चेंज करके फिर आ गया, सब नाम ही चेंज करते रहते भाई, मेरे को बताना पड़ता है, हाँ ये वो है, तब ये है आदि, और आदि पहले भाई मतलब पता नहीं यार लवलैंड में यार आदि, पता नहीं आदि को ही क्राउन मिलता है, हम लोग से तो लवलैंड होता नहीं है, और जब भी देखता हूँ कि, और यहाँ पे स्कोर हो चुका है गाइस 2-1, मतलब हाँ 2-1 से यहाँ पे खाता खुल गया अपना। अभी तो मेरे को लगा था कि भाई कहीं और स्कोर ना भाग जाए, लेकिन यहाँ पे गाइस 2-1 स्कोर हो चुका है। तो गाइस देखते हैं कौन जीतेगा यहाँ पे। मैगी मतलब वापस से मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, मतलब वापस से मैं आ गया यहाँ पे, हाँ। तो गाइस चलो यार फिर से लवलैंड आ चुका है गाइस, मतलब बोला था ना मैंने ये गाइस लवलैंड वार है, और वापस से फिर से लवलैंड आ गया, और यहाँ पे गाइस आ चुका है फोर्थ राउंड, और फोर्थ राउंड भी लवलैंड आया, मतलब भाई कितना लवलैंड आएगा मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे गाइस मैं लास्ट तक पहुँचे हुए थे, और यहाँ पे कौन कौन था पता नहीं, यहाँ पे मैं था और अपना आदि था, मैं था और 2v2 शायद यहाँ पे था। तो देखते गाइस कौन जीतेगा यहाँ पे मैच, यहाँ पे मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ जीतने का। यहाँ पे गाइस फिर से कौन ले गया पता है, फिर से भाई आदि ले गया यार, मतलब
चल क्या रहा है फिर से भाई लावा लैंड। तो भाई मेरे को लग रहा है आदि ने बुक कर लिया, भाई हम ही है और कोई नहीं है, बस हम ही है। तो चलो कोई ना गाइस, कम से कम भाई निकाल ले रहा, नहीं तो भाई हम लोग तो भाई हारेंगे अगर लावा लैंड की वजह से हारते। लेकिन नहीं यार भाई, यहाँ पे आदि निकाल लिया भाई, मजे आ गए। और ये बार गाइस हम लोग फर्स्ट लाइन अप सेकंड लाइन अप मिक्सअप खेल रहे थे, बहुत सारे को चांस नहीं मिलता है तो मैंने इसमें चांस दे दिया था। और इसमें डेविल और मोहुल नहीं खेल रहा था, बाकी सब खेल रहे थे, ब्लेजी भी नहीं खेल रहा था इसमें। और अभी देखते गाइस कौन कौन था, मैं था और ये 69 पॉइंट कुछ था, आदि था और एक फ्लैश था। मतलब मेन लाइनअप के तीन चार ही थे, चार थे, बाकी तीन तीन सेकंड लाइनअप के थे। और यहाँ पे गाइस आ चुका है लेजर ट्रेस और यहाँ पे ये फ्लैश। तो अब फ्लैश और उनका मतलब 2v2 हो चुका है, हाँ 2v2 हो चुका है, आदि फ्लैश और उनके एक, अभी उनका एक निकल लिया, अब 2v1 हो चुका है गाइस। और देखते हैं गाइस कौन जीतेगा यहाँ पे, क्या पता यार 1v2 ना कर दे, लेकिन देखते हैं। यहाँ पे तो 2v1 हो चुका था, तो देखते हैं गाइस कौन जीतेगा। यहाँ पे फ्लैश और आदि दोनों बचे हुए हैं, तो टेंशन नहीं था, लग तो रहा था कि हाँ जीत सकते हैं, लेकिन वो बंदा यार काफ़ी देर टिक गया, जो भी था सॉरिया भाई, बहुत देर टिक गया। अभी तक गाइस कोई भी जा नहीं रहा है भाई, कोई तो जाओ लेकिन भाई जाने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पे भाई नाइस यार, सॉरिया ओपी बहुत अच्छा किया यहाँ पे। और इसी के साथ ये गाइस यहाँ पे फ्लैश ले गया यार, फ्लैश ओपी यहाँ पे गाइस। और इसी के साथ हो चुका है 3-3, हाँ नहीं सॉरी यार 3-2 हो चुका है स्कोर, ट्रिटजी के 3 और अभी जॉर्ड के 2 है। तो यहाँ पे काफ़ी शानदार कमबैक हुआ। और यहाँ पे गाइस, हाँ यहाँ पे गाइस मेरा स्पॉन एकदम लेफ्ट में, एकदम स्पॉन बकवास लगता है, लेकिन फिर भी यार मैं किसी तरह से भी अच्छा खासा आगे आ गया। और गाइज यहाँ पे देखो गाइज, मैं इससे यार अभी देखो यार लीड भी इससे मैं ले लेता हूँ, देखो यहाँ पे मतलब इससे लीड भी ले लेता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे गाइज टाइमिंग टाइमिंग ओपी भाई, टाइमिंग ओपी हो गया यहाँ पे, मतलब नहीं यार मतलब अधद है भाई, अचानक से नीचे गिर गया भाई, टाइम की तो ऐसी की तैसी हो जाते हैं यहाँ पे। मतलब ये विन मेरा हो सकता था, लेकिन भाई टाइम खत्म, टाइम की लग गई। और यहाँ पे गाइज 3-3 हो चुका है, पेंट स्प्लैश यार मेरे को एकदम, भाई क्या मैप है भाई, मतलब जाओ और वहां पे नीचे गिर जाता है यार, मतलब भाई करना क्या चाहता है यार। चलो यार छोड़ो, हटाओ, 3-3 हो चुका है स्कोर यहाँ पे। और वापस से आज अब नेक्स्ट आ चुका है गाइस हनी ड्रॉप। और गाइस चलो यार, अब जब तक मैच चल रहा तब तक आप लोग लाइक कर दो, आजकल लाइक भी मतलब नहीं करते आप लोग, मतलब लाइक करते हो न्यूयॉर्क, पहले तो यार 400 भी हो जाते थे, 500 भी हो जाते थे, आजकल तो यार 200 भी बहुत मुश्किल से पहुंच रहा है। तो यार लाइक करो यार, कंजूसी ना करो लाइक में यार, मतलब इतना तो ना करो यार कि लाइक नहीं करते हो, ऐसे तो चैनल मतलब व्यूज नहीं आ रहे यार, आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हो और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, तो गाइस सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो। और कुछ नहीं, बस इतना ही बोलना था फिलहाल गाइस। अब यहाँ पे आ चुके हैं मैच में, यहाँ पे अपना 69 मतलब अपने मतलब अपने प्लेयर यार भाई नामी सब चेंज चेंज करके रखे हुए, कोई एक SG बवासीर, तो कोई भाई स्किल्स, तो कई A1 प्रो, भाई सारे नाम चेंज करके आते हैं। तो यहाँ पे गाइस कौन जीता कौन जीता कौन जीता, तो गाइस यहाँ पे फिर से वापस से भाई जॉर्ड के जीत गए। अब यहाँ 3-4 हो चुका है यार, अपने 3 और उनके 4। अब यहाँ पे गाइस वापस से लॉस्ट टेम्पल, यहाँ पे चलो यार कम से कम रेस में पाया। और लॉस्ट टेम्पल यार यहाँ पे गाइस मेरा थोड़ा अच्छा, फिर भी थोड़ा बहुत स्पॉन सही दिया था, जिसके वजह से मैं गाइस अच्छा खासा यहाँ पे लीड ले लिया था यहाँ पे। और बस यहाँ पे कौन कौन आ गए यहाँ पे, बस मैं देखता हूँ गाइस, सिर्फ रेडॉक्स, ये R3 प्राइम रेडॉक्स है, जस्ट पीछे कुछ था। और यहाँ पे पता नहीं यार रेडॉक्स कैसे मेरे से लीड ले लिया। अब गाइस यहाँ पे भाई मैं उससे क्या ही, मैं यहाँ पे लीड लिया हूँ, मतलब भाई मजे आ गए यहाँ पे गाइस, मतलब अब तो नहीं हगूंगा, आराम से निकालूंगा यहाँ पे। यहाँ पे भाई रेडॉक्स मेरे से ओवरटेक किया गाइस, और यहाँ पे मैंने रेडॉक्स को ओवरटेक कर दिया भाई, ये मतलब मजे आ गए, ये सीन गजब था। इसी के साथ गाइस मैगी ने 1 करोड़ ले लिया मतलब मैंने, और इसी के साथ 4-4 हो चुका है स्कोर। अभी गाइस 3-4 हो चुका था, 4-4 हो चुका है, नेक्स्ट आ चुका था लॉस्ट, नहीं यार क्या मैं बोल रहा हूँ, ओवर अंडर। और यहाँ पे भाई मेरा लेफ्ट में स्पॉन था और भाई स्टार्टिंग में टक्कर पड़ गए। अब मेरे को पता था कि ये क्राउन तो मेरा नहीं है, मेरे को पता है टक्कर पड़ गए। अब बस गाइस अपने कोई ले ले, बस किसी तरह से भी ले ले। और यहाँ पे गाइस मैं देखो यार अच्छा खासा मैं मतलब 3rd नंबर तक पहुँच गया था, और ये वाला मैच ले गया भाई रेडॉक्स, पिछला बार भाई उससे मैं ओवरटेक ले लिया था, और यहाँ पे गाइस रेडॉक्स वापस ले गया। तो चलो गाइज ओपी यहाँ पे गाइज हो चुका है 5-4। वापस से गाइज आ चुका है लावा लैंड, मतलब भाई ये जो मैप है ना पीछा नहीं छोड़ने वाला यार, पूरे लास्ट तक दिखेगा ये मैप, कभी छोड़ेगा ही नहीं पीछा भाई, इतना मैप आ रहे भाई। अभी तो यूरोप वाले तो कुछ ज़्यादा ही भाई, यूरोप वाले तो भाई लावा लैंड को ही पकड़ ले रहे हैं और बस यही टूर्नामेंट बना दे रहे हैं भाई। कल भी एक टूर्नामेंट था रिवो हाउस, जो कि भाई पूरा
पूरा फेस ही भाई ये था यार, मतलब लावालैंड मतलब इतना क्या पसंद आ गया सबको, मेरे को तो भाई मजा नहीं आता इतना। तो चलो गाइस कोई ना, देखते हैं गाइस ये मैप कौन ले जाता है। वैसे टिक तो मैं जाता हूँ लास्ट तक, लेकिन मेरे को मैच भाई देखा जाए तो मेरे को मैप बवासीर ही लगता है ये वाला। और यहाँ पे गाइस देखते हैं, 3-4 महीना लेता है भाई और ढंग का मैप नहीं लाता। फिलहाल गाइस यहाँ पे आ चुका है लावालैंड और यहाँ पे मैं अच्छा खासा देर तक यहाँ पे टिक चुका हूँ। अब इतना टिक चुका हूँ तो मेरे को पता था कि अब लास्ट तक एकदम टिकना है। अब यहाँ पे गाइस ये आ चुका है स्पीड में जो जाने वाला, और यहाँ पे गाइस मैं और अब सारे अपने ही बच गए, मतलब ये सब वाला क्रॉन समझ गया था ये अपना ही था, बस अब अपना लग गया सब क्रॉन लेने में कि भाई। अब यहाँ पे गाइस मैं बस और आधी बच गए थे और मैं सोचा चलो यार ये लास्ट वाला विन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे भाई हो गया स्कैम। लेकिन गाइस मैं सेकंड आ गया वापस से भाई, लेकिन यार ट्राई अच्छा था, मैंने ट्राई अच्छा किया था। लेकिन चलो कोई ना गाइस, जी हम लोग जीत चुके हैं गाइस 6-4 से। और ये मैप भाई आज लावालैंड ही वार था भाई, बहुत ज़्यादा मैप आ गए वाला। और ये मैप में भाई जो भी यार आदि ही बचाया है, क्योंकि 3 भाई लावालैंड आदि का ही विन है, 3 बार मतलब 3 बार लावालैंड का विन आदि ने निकाला और 2 जॉट के बंदे मतलब जॉट के प्लेयर ने निकाले। तो इसमें गाइस 5 भाई कम से कम लावालैंड आया, मतलब कुछ ज़्यादा यार, आधा बार तो लावालैंड में ही खत्म हो गया। तो गाइस चलो कोई ना, बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। और हम जल्द स्ट्रीम भी करेंगे, और आप बताना यार मतलब स्ट्रीम करेंगे, बहुत दिन से स्ट्रीम मैंने नहीं किया है, तो मैं सोच रहा हूँ स्ट्रीम करेंगे। और आप लोग बताना गाइस टाइम, अगर स्ट्रीम करेंगे तो कौन से टाइम करेंगे, टाइम भी आप बता दो ताकि मैं उसी टाइम स्ट्रीम कर पाऊँ और बाकी सब आ पाए उसी टाइम। तो गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।